हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने हिचक का प्रोग्राम जिसमें मैंने यूज किया है एपीएम 2.8 बोर्ड को। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देख के बहुत इजीली प्रोग्राम कर सकते हो जो भी आप मॉडल एपीएम 2.8 के साथ में बनाते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और उसने वीडियो को अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप में मिशन प्लानेट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। दोस्तों, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिशन प्लानेट सॉफ्टवेयर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने एपीएम 2.8 बोर्ड को लैपटॉप के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कुछ इस तरीके से एपीएम 2.8 बोर्ड को कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा एपीएम 2.8 बोर्ड जिसको मैं कनेक्टेड है, यहाँ पे मैं उसको हमको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नंबर रख रहा हूँ 11520 नंबर रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। और दोस्तों, एपीएम 2.8 बोर्ड को कनेक्ट हो जाने के बाद में हमें फिर से डिसकनेक्ट कर देना है। यहाँ पे हमें आ जाना है सेटअप पे और सेटअप पे आ जाने के बाद में यहाँ पे हमें आ जाना है इंस्टॉल फर्मवेयर लेगेसी पे और यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा तो हमें प्रोसेसिंग को होने देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा फर्मवेयर है वो यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ हेक्सा कॉप्टर, तो मैं यहाँ पे हेक्सा कॉप्टर को सिलेक्ट करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ मैसेज होगा कि दोस्तों, जो ये फर्मवेयर है हमारे बोर्ड के लिए लेटेस्ट वर्जन है, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हमें ओके क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे ओके करते हो तो दोस्तों जो हमारा फर्मवेयर है यहाँ पे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और दोस्तों ये डाउनलोडिंग होने के बाद में ऑटोमेटिक ये हमारे एपीएम 2.8 बोर्ड में अपलोड हो जाएगा। और दोस्तों, ये अपलोड होते टाइम आप अपने एपीएम 2.8 बोर्ड में देखेंगे तो दोस्तों जो एलईडी पे लगा होता है बहुत ही फास्ट ब्लिंक करेंगे और आप जान पाओगे कि जो हमारा फर्मवेयर है हमारे एपीएम 2.8 में बहुत ही अच्छे तरीके से अपलोड हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर्मवेयर है यहाँ पे अपलोडिंग कंप्लीट हो चुका है और दोस्तों, ये कंप्लीट होने के बाद में वेरीफाई होगा। तो दोस्तों, वेरीफाई होने में 10-12 मिनट टाइम लगेंगे। तो दोस्तों, हमने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो।
यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम करेंगे कंपास कैलिब्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हम कंपास कैलिब्रेशन में क्लिक कर लेंगे और दोस्तों यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंपास को। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एपीएम एंड एक्सटर्नल कंपास पे और दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ ओके का ऑप्शन आएगा तो हमें ओके कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मॉडल को रोटेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको अपने मॉडल को रोटेट करना है। तो दोस्तों आपको एसी कैलिब्रेशन की वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम करेंगे फ्लाइट स्मूथ सेटअप। तो दोस्तों यहाँ पे हम आज के हैं फ्लाइट स्मूथ पे। दोस्तों मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ 5 चैनल जो कि हमारे ट्रांसमीटर में इस नोब में मिलता है। तो दोस्तों इस नोब में हमें 3 पॉइंट मिलता है, अप पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, मिड पॉइंट और यहाँ मिलता है हमें डाउन पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से फ्लाइट स्मूथ को सेट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप फ्लाइट का CT6 पे ट्रांसमीटर को यूज़ कर रहे हो तो यहाँ भी आपको कुछ इस तरीके से फ्लाइट स्मूथ को सेट करने हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फर्स्ट मोड में रख रहा हूँ लॉयटर। तो दोस्तों जो लॉयटर मोड होता है हमारे GPS के साथ में वर्क करता है। तो दोस्तों अगर हम थ्रॉटल को 50% के ऊपर में ले जाते हैं तो दोस्तों जो हमारा ड्रोन है फ्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे स्कैन मोड रख रहा हूँ स्टेबलाइज। तो दोस्तों जो स्टेबलाइज मोड होता है वो हमारे GPS की विदाउट फ्लाई करता है हमारा ड्रोन। तो दोस्तों अगर हम थोड़ा सा भी हम थर्ड को अप करते हैं तो दोस्तों जो हमारा ड्रोन ने फ्लाई करना स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों मैं थर्ड मोड में रख रहा हूँ RTL। तो दोस्तों हम ड्रोन को कहीं भी फ्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों हमारा ड्रोन कहीं भी चला जाता है। तो दोस्तों जैसे हम अपने ड्रोन को RTL पर लाते हैं तो दोस्तों जो हमारा ड्रोन है ऑटोमेटिक वहाँ पर लैंड हो जाएगा जहाँ से हमारा ड्रोन फ्लाई हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं जैसे ही नोब को रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कॉलम में यहाँ पे जो हमारा फ्लाइट स्मूथ है यहाँ पे चेंज हो रहा है।